हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का मापन। तो प्रेशर का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं आज के इस लेक्चर में समझेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट वन जो कवर किया था, उसमें टाइप्स ऑफ प्रेशर की स्टडी की थी, यानी दाब के प्रकार हमने देख लिए थे, यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो जितने टाइप के भी प्रेशर्स थे वो हमने इसके पार्ट वन में कवर किए थे और आज इस पार्ट सेकेंड में हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट की, यानी किसी भी प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं मेजरमेंट करने के, उन सभी डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, सभी के फॉर्मूले देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, और लेक्चर आज का थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे, जिससे कि अगले लेक्चर्स में हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उन्हें करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक नंबर सेकंड से आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक सेकंड है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, यानी दाब मापने के मौलिक सिद्धांत। अब प्रेशर को मेजर करने के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली दो ही प्रिंसिपल होते हैं, दो ही फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं प्रेशर को मेजर करने के। कौन कौन से? तो सबसे पहला तो आपके सामने पहला ये है, दूसरा ये है, दोनों मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ ना, बिल्कुल शॉर्ट में इनके नाम क्या होंगे, तो देखो किसी भी लिक्विड का और गैस का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम दो ही प्रिंसिपल पर आधारित करते हैं। पहला प्रिंसिपल तो हमारा क्या होता है, हम करते क्या है, जैसे देखिए समझिएगा, बाद में पढ़िएगा इसको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। जैसे ये किसी भी पाइप का एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब कोई पाइप है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, लाइक डेट पानी भरा है किसी पाइप में, और उसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया ये, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया और हमने ये पता करना चाहा कि बताइए इस लिक्विड का प्रेशर कितना है, हम इसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, दाब मापना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइस लगा देंगे। डिवाइस क्या होते हैं हमारे प्रेशर मेजर करने के, आगे हम आपको समझाएंगे। एक आपका जैसे बैरोमीटर होता है, जब हम वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं तो बैरोमीटर की हेल्प से करते हैं। अगर हमें किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमीटर की हेल्प से करते हैं। मैनोमीटर के भी आप टाइप पढ़ेंगे, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, आगे फिर सिंपल मैनोमीटर के भी टाइप पढ़ेंगे आप, पीजोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, सेंसिटिव मैनोमीटर होता है, ऐसे ही आप डिफरेंशियल मैनोमीटर के टाइप पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से बहुत सारे डिवाइस की स्टडी करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। एंड अगर हम किसी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो मैकेनिकल गेज की हेल्प से हम गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं। मैकेनिकल गेज के भी आगे टाइप देखेंगे आप, डायाफ्राम प्रेशर गेज क्या होता है, सबकी बात करेंगे एक एक करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी जो प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है ना, वो यहाँ लगा देते हैं। लाइक डेट, जैसे मैं यहाँ पर पीजोमीटर लगा रहा हूँ सपोज, या फिर मैंने यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, इस तरह से यूट्यूब मैनोमीटर मैंने इसमें लगा दिया। सुनिएगा पहले ध्यान से, करेंगे क्या हम इसमें, तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सामने देखिए, मतलब मैं इन प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें तो क्या था, पानी भरा हुआ था, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने यहाँ पर सपोज यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, जिसमें कि इस तरह से इसमें लिक्विड थोड़ा सा फ्लो के इधर आ रहा है ऐसे ऐसे। हम करते क्या है, इस जो आपका ये मैनोमीटर है ना, इस मैनोमीटर में एक दूसरे टाइप का या फिर सेम टाइप का ही लिक्विड भर देते हैं। तो हमने लाइक डेट इसमें मरकरी और भर दिया, एक तरफ हमने इसके दो कॉलम बन रहे, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है, तो हमने इस कॉलम में तो सपोज मरकरी भर दिया, यहाँ पर क्या भर दिया हमने, मरकरी भर दिया, मान लो यहाँ तक हमारा मरकरी भरा हुआ है, या फिर और इधर मान लो आप चाहे जहाँ तक ले लो, ठीक है, इधर यहाँ तक इसमें मरकरी है, यहाँ तक मरकरी था और इधर लिक्विड है, ये मरकरी है, ठीक है। इधर तो मान लो वाटर था, इसमें तो आपका पानी है जिसका प्रेशर मेजर करना है, इधर मान लिया आपने मरकरी था HG, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं लिक्विड के दो कॉलम बन रहे हैं। देखो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें इस तरह से, तो यहाँ से नीचे नीचे देखेंगे आप दोनों तरफ मरकरी है, तो इसे तो आप नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर भी मरकरी है इधर भी। अब यहाँ से ऊपर देखेंगे आप तो इधर ये एक तो ये बन रहा है आपका लिक्विड का कॉलम ये वाला, ठीक है, और इधर बन रहा है आपका मरकरी का कॉलम ये वाला। दो कॉलम बन रहे हैं, लिक्विड के कॉलम की हाइट सपोज H1 है और इसकी जो हाइट है वो क्या है H2 है। अलग अलग हाइट के हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो जो पहला प्रिंसिपल होता है ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं तो वो प्रेशर हम मेजर करते हैं किसके आधार पर, हम कॉलम जो लेते हैं, ये दो कॉलम है लिक्विड के कॉलम है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो इन लिक्विड के कॉलम्स को बैलेंस करके करते हैं। क्या
लिक्विड के कॉलम को बैलेंस करके हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ये पहला प्रिंसिपल कहता है। समझ पा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम के बैलेंसिंग का सिद्धांत होता है आपका पहला प्रिंसिपल। क्या होता है? बैलेंसिंग बाई, बैलेंसिंग बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं, बैलेंसिंग बाई लिक्विड, लिक्विड कॉलम यानी लिक्विड कॉलम के बैलेंसिंग का सिद्धांत होता है आपका पहला वाला सिद्धांत। लिक्विड कॉलम के बैलेंसिंग का सिद्धांत का मतलब क्या? इस कॉलम में प्रेशर, इस कॉलम में प्रेशर सपोज रो वन जी एच वन मान लिया, बराबर इस दूसरे कॉलम में प्रेशर रो टू जी एच टू मान लिया इस तरह से। तो रो वन जी एच वन बराबर रो टू जी एच टू रख करके हम इजीली प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी हाइट मेजर कर लेंगे। आपको अगर दोनों हाइट दे रखी है यहाँ से, ये भी, तो हम एक का डेंसिटी कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हैं इजीली यहाँ से। हालांकि यहाँ पर इसकी हाइट इसकी हाइट और यहाँ पर एक प्रेशर होता है, यहाँ पर पी प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर और राइट हैंड साइड का प्रेशर इक्वल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक प्रेशर पी और लग रहा है इस तरह से, प्रेशर पी। तो पी प्लस रो वन जी एच वन बराबर रो टू जी एच टू, इधर तो कोई प्रेशर पी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रेशर पी लग रहा है ना, इस प्रेशर पी को हम इजीली बता सकते हैं। हमें रो वन जी एच वन की वैल्यू पता होगी, रो टू जी एच टू की वैल्यू पता होगी, इजीली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्रेशर मिल जाएगा इधर जो लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी? तो बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ये आपका पहला सिद्धांत था। समझ पा रहे हैं ना, किसके हेल्प से? बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, याद कर लीजिएगा अच्छे से, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम। अब इसको आप रीड करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। पढ़िए क्या लिखा है आपके सामने, यदि किसी द्रव का दाब मापना हो, किसका, किसी भी द्रव का, जैसे यहाँ द्रव भरा हुआ है ना, इसका हमें दाब मापना है, तब उस द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के, किसके, उसी द्रव, जैसे हमें यहाँ पर लिक्विड था, पानी था, ये H2O, तो या तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे H2O का प्रेशर मेजर करना है, तो या तो उसी द्रव के साथ या फिर किसी अन्य द्रव, जैसे हमने अन्य द्रव ले लिया मरकरी, या तो हमने यहाँ H2O लिया है ना, तो हम इधर भी H2O ले सकते थे, या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने इधर H2O लिया है तो यहाँ पर HG ले लेंगे, कोई भी उपयुक्त द्रव ले लेंगे। अब HG ही क्यों लिया, इसका भी रीजन आपको बताएंगे आगे, कि हम मरकरी को ही क्यों मैनोमीटर में यूज करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE के पर्पज से पूछा जाता है कि हम जो हमारा मैनोमीटर ट्यूब होती है उसमें मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं, रीजन बताइए, इसके क्या बेनिफिट है, वो आपको सब पढ़ाए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे। थोड़ा सा पहले आप इंटरेस्ट इधर दिखाएंगे अपना। तो क्या बताया गया कि अगर हमें इस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, या तो सेम लिक्विड या किसी अदर जो भी हमारा सुटेबल लिक्विड होगा उसके साथ, ठीक है, उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ के साथ, स्तंभ मतलब कॉलम, ये जो कॉलम बन रहे वाले, स्तंभ के साथ संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। समझ पा रहे हैं? स्तंभ के साथ संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी अन्य, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, इफ द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज टू बी मेजर्ड, यदि हमें किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है, देन द प्रेशर ऑफ डेट लिक्विड इज मेजर्ड, तो हम उस लिक्विड का जो प्रेशर मेजर करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं, विद द सेम लिक्विड और एनी अदर सुटेबल लिक्विड कॉलम मेजरिंग प्रेशर, कीपिंग इट इन बैलेंस यानी इसको बैलेंस में रख करके, इधर के कॉलम को दोनों को बैलेंस में रख करके हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजर कर लेते हैं। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, किस प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, लिक्विड के जो कॉलम बन रहे हैं, ये वाला कॉलम, इन दोनों को बैलेंस करके हम इजीली प्रेशर यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। ये सब फॉर्मूले आपको आगे डेराइव करके दिखाई जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। पहले ये बताइए, समझ में आ रहा है, क्लियर है? अपने शब्दों में लिख के आइएगा, क्या लिखेंगे आप, यदि जैसे पाइप सा बना लिया हमने, यदि इस पाइप के अंदर जो द्रव भरा है, यदि किसी भी द्रव का दाब मापना हो तो हम उस द्रव का दाब कैसे मापते हैं, या तो उसी द्रव या फिर अन्य किसी भी उपयुक्त द्रव कॉलम के संतुलन की सहायता से हम क्या नापेंगे, इसका दाब नापते हैं। सिंपल इतना लिख देंगे, अब लिख देंगे ना, पढ़ लीजिए एक बार और अच्छे से क्लियर होगा। यदि किसी द्रव का दाब मापना हो तब उस द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ के साथ संतुलन में रखकर दाब नापते हैं। ये तो हो गया आपका पहला प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, दूसरा प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वहां पर अंतर सिर्फ इतना आएगा, यहां पर हमने किसका यूज किया, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम का, और वहां पर हम यूज करते हैं बैलेंसिंग बाई स्प्रिंग कॉलम का, किसका,
स्प्रिंग का यूज करते हैं, बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग, या फिर आप किसी भी फिक्स्ड पार्ट का यूज कर लेंगे, बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग, बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग कह दीजिए, या फिर बैलेंसिंग बाय फिक्स्ड पार्ट या डेड वेट, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो पढ़ लीजिए इसको, जिस द्रव का दाब मापना हो उस द्रव के दाब को स्प्रिंग, किसके स्प्रिंग या फिर किसी भी अचल भागों द्वारा संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। इसमें किसकी सहायता से, स्प्रिंग के संतुलन की सहायता से दाब मापेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में टू मेजर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड कीपिंग द प्रेशर ऑफ डेट लिक्विड इन बैलेंस बाई स्प्रिंग, किसकी सहायता से नाप रहे हम, बैलेंस बाई स्प्रिंग और फिक्स्ड पार्ट। इन दो तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। ये दो सिद्धांत थे, सभी को समझ आ रहे हैं ना। तो पहला सिद्धांत हमारा क्या हो गया, पहला सिद्धांत हो गया जो लिक्विड के कॉलम होते हैं, या तो सेम लिक्विड के कॉलम होंगे या फिर डिफरेंट लिक्विड के कॉलम होंगे, तो उन लिक्विड के कॉलम को बैलेंस करके मेजर कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रिंसिपल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिखे हैं आपके सामने, प्लीज करके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इन्हें अच्छे से लिख पाएं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं तीसरा टॉपिक, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, दाब मापक युक्तियां। अब प्रेशर मेजर करने के डिवाइस कौन कौन से हैं इसकी बात करेंगे। तो प्रेशर मेजर करने के जो डिवाइस बनाए गए थे ना, वे बनाए गए थे जो अभी आपको मैंने पीछे दो प्रिंसिपल पढ़ाए थे ना, उन दोनों प्रिंसिपल पर आधारित ही प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बनाए गए हैं। समझ पा रहे हैं ना, कौन कौन से प्रिंसिपल हमने देखे थे, हमने देखे थे दो प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस बनाए गए हैं किस किस के बेस पर बनाए गए हैं, बेस्ड ऑन पहला प्रिंसिपल क्या था, बैलेंसिंग बाई पहला था लिक्विड कॉलम, पहला प्रिंसिपल हमने क्या देखा था, लिक्विड कॉलम को बैलेंस कर रहे थे हम, ठीक है। पानी और मरकरी दो तरह के अलग अलग लिक्विड लिए थे, उन दोनों के कॉलम को बैलेंस करके हमने क्या देखा था, पहला प्रिंसिपल देखा था, क्लियर। दूसरा प्रिंसिपल हमने किसके बेस पर देखा था, दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा था बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाई स्प्रिंग कह दीजिए आप, या फिर डेड वेट या डेड पार्ट एक ही मतलब है, डेड पार्ट लिख दीजिए या फिर डेड वेट्स लिख दीजिए, वेट्स WEIGHTS डेड वेट्स। हिंदी में क्या कह सकते हैं आप, लिक्विड कॉलम यानी कि द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित। जो पहले डिवाइस है वो तो किस पर आधारित है, द्रव स्तंभ के संतुलन पर। दूसरे किस पर आधारित है, स्प्रिंग या फिर अचल भार, स्प्रिंग या अचल भारों पर आधारित। इन दोनों नियम पर ही आधारित आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है। जो आपको प्रिंसिपल दो बताए हैं ना, उन पर ही आधारित प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। तो जो हमारे दो मेन वाले जो दो डिवाइस है ना, जिनसे हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं, कौन कौन से, जैसे पहले वाले का एग्जांपल आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बैरोमीटर देखा है ना, सिंपल बैरोमीटर हो गया इसका एग्जांपल, बैरोमीटर एंड जितने भी तरह के मैनोमीटर हैं, मैनोमीटर्स, ठीक है। हिंदी में भी इसको बैरोमीटर, इसको मैनोमीटर ही बोलेंगे, आप मैनोमीटर लिख लीजिएगा, मैनोमीटर्स कर दीजिए, बिकॉज मैनोमीटर बहुत टाइप के होते हैं, बैरोमीटर तो हमारा एक ही है सिंपल। तो बैरोमीटर हो गए, मैनोमीटर्स हो गए, इन सब का जो निर्माण किया गया किसके बैलेंस पर आधारित किया गया था, ये लिक्विड कॉलम के बैलेंस पर आधारित, ठीक है। दूसरा अब आपके स्प्रिंग बैलेंसिंग पर आधारित कौन कौन से होते हैं डिवाइस, तो जो मैकेनिकल गेज होता है ना, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं
इसका एग्जांपल लिख लेंगे आप मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज। अगर मैं सिंपल बात करूं, हालांकि इनकी डिटेल स्टडी जस्ट अभी करेंगे हम, तो जो बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर की हेल्प से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या मेजर करते हैं हम? एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर की हेल्प से, और मैनोमीटर की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं। समझ पा रहे हैं? वही बात करें, मैकेनिकल गेज होता है, इसकी हेल्प से किसका प्रेशर मेजर करते हैं? तो मैकेनिकल गेज की हेल्प से हम गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं। किसका? गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं। मैकेनिकल गेज के भी तीन अलग अलग टाइप होते हैं। उन टाइप्स में आपका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका डायाफ्राम प्रेशर गेज। तो डायाफ्राम प्रेशर गेज को भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो अब ये तो हमारे क्या हो गए, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का क्लासिफिकेशन हम दो आधार पर करेंगे, एक तो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम और दूसरा बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग और डेड वेट्स। इन दोनों पर आधारित ही हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो अब कौन कौन से होते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, यहां तो मैंने आपको दो तीन ही एग्जांपल दिखाए हैं, अब इनकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके सभी के पहले नाम लिखेंगे, फिर उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो नाम इसके लगभग 11-12 हैं, तो मैं आपको पहले तो यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ, फिर आपको एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा जिसमें सभी टाइप के मेजरिंग डिवाइस आपको दिखाई देंगे, उनको आपको लिखना होगा सेम टू सेम जैसे चार्ट आपको दिखाई देगा। इसको आप नोट कर लेंगे, क्लियर ना? चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा किस तरह से होगा, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा हमारा, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग नाम लिख लीजिएगा इनके। तो पहला तो हम क्लासिफिकेशन किसके बेस पर करेंगे, पहला करेंगे हम बाई लिक्विड कॉलम। ठीक है, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम इसके बेस पर। तो बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम के बेस पर ऐसे करके तो आपको चार्ट पेपर दिखाई देगा, एक तरफ तो लिखा होगा बैलेंसिंग बाई, बैलेंसिंग बाई लिक्विड कॉलम। ठीक है, एक तरफ इस तरफ, और इस तरफ जो होगा दूसरा, एक तो इस टाइप के होगा, दूसरा हो जाएगा बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग, बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग या फिर डेड वेट, स्प्रिंग या डेड वेट, इन दोनों पर आधारित। ठीक, अब बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम के आधार पर दो तरह के होते हैं मेनली, जो मैंने आपको दोनों के नाम लिखवाए थे वे आप लोगों को याद होंगे, एक तो होता है सिंपल, एक होता है हमारा सिंपल बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर, और दूसरा होता है हमारा मैनोमीटर, मैनोमीटर। इनके नाम हिंदी में सब कुछ आपको अभी शो कराएंगे जस्ट अभी। तो बैरोमीटर के तो टाइप कुछ नहीं होते, बैरोमीटर तो सिर्फ अकेला ये एक साधारण बैरोमीटर, उसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। मैनोमीटर जो होता है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, इसकी सहायता से क्या मेजर करते हैं हम, इसकी सहायता से हम एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, सॉरी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ये क्या है, ये वायुमंडलीय दाब मेजर करने का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये वाला। और जो मैनोमीटर होते हैं ये क्या होते हैं, ये लिक्विड मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जो लिक्विड को मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड प्रेशर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर लिख दीजिए, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, इसकी सहायता से हम लिक्विड, जितने भी तरह के लिक्विड है ना, सभी का प्रेशर हम किससे मेजर करेंगे, मैनोमीटर की हेल्प से। अगर बात करें इसकी हम, तो इसका आपका एक ही सबसे मेन है, एक ही है आपका इसका, जिसका नाम है मैकेनिकल गेज। इसमें क्या आएगा आपका, मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज के द्वारा हम गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ गैसेस, मेजरमेंट ऑफ गैसेस। तो गैसों का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मैकेनिकल गेज की हेल्प से करते हैं। अब आगे सुनिए ध्यान से, जो मैनोमीटर है ना, इसके भी क्लासिफिकेशन होता है, मैनोमीटर का भी क्लासिफिकेशन होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं।
एक होता है आपका सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। कौन कौन से? एक होता है सिंपल मैनोमीटर, सुन लीजिए फिर आपको भी चार्ट पेपर में दिखा देंगे। दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। इसकी बात करें मैकेनिकल गेज, ये आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। और फिर आगे बात करें सिंपल मैनोमीटर, है ना, सिंपल मैनोमीटर के भी तीन टाइप होते हैं। आप एक पीजोमीटर देखेंगे, दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर देखेंगे, तीसरा सेंसिटिव मैनोमीटर देखेंगे। ऐसे डिफरेंशियल मैनोमीटर के भी टाइप होते हैं। तो इनके जितने भी टाइप्स हैं ना, आगे का क्लासिफिकेशन ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपल बैरोमीटर और मैनोमीटर आते हैं, इधर आपका मैकेनिकल गेज आता है। इसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं, इसकी सहायता से हम लिक्विड का दाब मेजर करते हैं, इसकी सहायता से गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं। अब आगे जो इनके क्लासिफिकेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, तो उसका मैं आपको एक चार्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए और ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला जो डिवाइस है, यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया था ये कि द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित हो गए थे आपके दो, एक बैरोमीटर दूसरा मैनोमीटर। हिंदी में भी नाम लिखे, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इधर बात करें दूसरा स्प्रिंग या अचल भारों के संतुलन पर आधारित, तो ये भी आप देख चुके हैं मैकेनिकल गेज होता है, ठीक है। अब हम बात करें बैरोमीटर मैनोमीटर में, देखो मैनोमीटर के दो टाइप हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्लियर। इसके बाद सिंपल मैनोमीटर के तीन टाइप हैं, पीजोमीटर ट्यूब, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। आगे फिर सेंसिटिव मैनोमीटर के भी दो टाइप दे रखे हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, समझ पा रहे हैं। इसके बाद ये जो इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर के नीचे टाइप दे रखे हैं ना नीचे, इनको आपको यहाँ पर नहीं, इंक्लाइंड मैनोमीटर के टाइप नहीं, सॉरी, ये फिर आगे आ जाओ डिफरेंशियल मैनोमीटर। इधर डिफरेंशियल मैनोमीटर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर होता है, और यहाँ पर सेंसिटिव मैनोमीटर यहाँ भी दे रखा है। तो आपको इसको स्टडी नहीं करना है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो सेंसिटिव मैनोमीटर होता है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसके नीचे वाले तीनों टाइप को छोड़ सकते हैं। बाकी इधर बात करें मैकेनिकल गेज, तो मैकेनिकल गेज के तीन टाइप आपको बताए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है वॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा डायाफ्राम प्रेशर गेज और तीसरा डेड वेट प्रेशर गेज। इस तरह से तीन यहाँ पर हो गए आपके, कौन कौन से, वॉर्डन ट्यूब वाला हो गया, दूसरा डायाफ्राम हो गया, तीसरा डेड वेट का हो गया। तो ये सभी क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं। उम्मीद है आप सबको इनके नाम समझ आए होंगे, इनको एक बार अच्छे से लिखिएगा अपने नोट्स में, इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके सभी डिवाइस की। अब तक हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया कि कौन सा डिवाइस किस काम में आएगा, इनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किस प्रिंसिपल के बेस पर कौन कौन से डिवाइस होते हैं और दूसरे प्रिंसिपल के बेस पर कौन कौन से डिवाइस हैं। इस तरह से आप लोग समझ चुके, ठीक है। अब एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल बैरोमीटर के बारे में डिटेल में, फिर मैनोमीटर के बारे में, फिर इसके भी सारे टाइप्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर लास्ट में मैकेनिकल गेज, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इतना, क्लियर ना। तो चलिए अब इसको हटाते हैं हम और अब एक एक करके स्टडी करते हैं सभी डिवाइस की। चलिए देखिए, चलिए अब समझते हैं सबसे पहले सिंपल बैरोमीटर के बारे में, यानी सरल दाब मापी या फिर बैरोमीटर। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपको इस बैरोमीटर के बारे में, बाकी सब कुछ बहुत सारी डिटेल में आपको लिखना है। एक तरह से यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे पूरा पूरा, उसको आप समझिएगा, ठीक है। मतलब करके देखेंगे नहीं, आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर से रिलेटिव यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपको मैं बताऊंगा जो कि बैरोमीटर से रिलेटिव है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जो बैरोमीटर होता है ये, इसका काम क्या होता है, तो आपको मैं बता चुका हूँ इसको, कि हम बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? वायुमंडलीय दाब, यहाँ लिखा भी है, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब, इंग्लिश वाले बच्चे कह सकते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, इस बैरोमीटर की हेल्प से एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, पहला पॉइंट, समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये बैरोमीटर होता क्या है, तो बैरोमीटर कांच की एक ट्यूब होती है, इसको बाद में पढ़िएगा, सुनते रहिए, समझते चलिए, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है? कांच की एक ट्यूब होती है, कांच मतलब गिलास की, सुनिएगा ध्यान से, ये गिलास ट्यूब होती है, गिलास ट्यूब, इधर सुनेंगे बाद में उसे रीड करना। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है सामने, इसी तरह की ग्लास की एक ट्यूब होती है, लाइक डेट मैंने जैसे यहाँ बना के दिखा दिया आपको, ये इस तरह से ग्लास की ट्यूब होती है ये,
और इस ग्लास की ट्यूब का जो डाया होता है ना, डाया मतलब व्यास, ये वाला व्यास, ये डायामीटर इसका, तो ये जो डाया होता है इसका, ये 12.8 mm, कितना 12.8 mm से अधिक होना चाहिए, 12.8 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 12.8 mm से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, तो देखिए 12.8 mm से अगर ये कम हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगी कैपिलरी ट्यूब। कौन सी ट्यूब बन जाएगी ये? कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब क्या है, केश नली के बारे में आपने सुना है, केशिकात्व आपको मैंने पढ़ाया था, तो जो केश नली होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, उसका डायामीटर कम होता है, बहुत कम होता है, ताकि उसमें हम देखते हैं जब भी पानी भरें उसमें या कोई पारा भरते हैं मरकरी, तो उसमें कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल देखने को मिलता है हमें। तो अगर इसमें कैपिलरी का प्रभाव आ गया, अगर हमने इसका डाया 12.8 mm से कम ले लिया, मतलब कम व्यास वाली हमने नली ले ली, तो ये नली हमारी केश नली बन जाएगी, और केश नली में कोई भी द्रव भरा हो तो उसमें हमें कैपिलरी राइज और फॉल का प्रभाव देखने को मिलता है, फिर हम एग्जैक्ट वायुमंडलीय दाब मेजर नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, या फिर अधिकता आ जाएगी, वायुमंडलीय दाब में प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। जो एग्जैक्ट हाइट आपको मिलनी चाहिए वो हाइट नहीं मिलेगी कैपिलरी के कारण। तो कैपिलरी के प्रभाव को दूर करने के लिए हम इस ट्यूब का जो व्यास है थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, चौड़ी लेते हैं थोड़ी, यानी कितना 12.8 mm से अधिक लेंगे व्यास। समझ आ गया क्यों लेंगे अधिक? ताकि इसमें कैपिलरी का कोई भी प्रभाव ना हो, कैपिलरी नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ यही लिखा हुआ है, बैरोमीटर कांच की एक नली होती है, गिलास की एक ट्यूब होती है, जिसका एक सिरा बंद होता है। आप देख सकते हैं नीचे वाला सिरा इसका बंद है और ऊपर वाला सिरा आप देख पा रहे हैं क्या खुला हुआ है, एक सिरा इसका बंद होता है, दूसरा सिरा कैसा होता है, खुला। तो हम सिर्फ एक सिरे के बारे में लिख दिया, इसका एक सिरा बंद होता है। नली का व्यास 12.8 mm से अधिक होना चाहिए, कितना 12.8 mm से अधिक होना चाहिए, क्योंकि पानी तथा पारे के लिए इस अवस्था में केशिका क्रिया यानी कैपिलरिटी नगण्य हो जाती है, यानी कैपिलरिटी इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर हम डाया कितना लेते हैं 12.8 mm से अधिक लेते हैं तो, क्योंकि फिर इसमें राइज और फॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किस लिए करते हैं इसे, ताकि इसमें कैपिलरिटी, या कैपिलरी लिख लीजिए आप, या फिर कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल, ठीक है। कैपिलरिटी को नेग्लिजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका जो डाया है 12.8 mm से अधिक रखते हैं। इतना सभी को समझ आया। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, इसकी जो लेंथ लेते हैं हम, लेंथ कितनी लेते हैं, लंबाई, इसकी लेंथ किसी भी हाल में आप 800 mm से कम नहीं लेंगे, 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 800 mm से कम क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका भी रीज़न सुन लीजिए। अगर इसकी जो लेंथ है, लंबाई है इस ट्यूब की, ये वाली जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई, अगर ये लंबाई आपने 800 mm से कम ले ली, और हमने ये, इतना तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो एक वायुमंडलीय दाब होता है वो मरकरी की कितनी ऊंचाई के लिए होता है, मतलब मरकरी की कितनी ऊंचाई तक होता है, तो 760 mmHg, ये जो होता है ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इतना आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हाइट आपको मिलेगी ना, ये वाली हाइट आपको बताएंगे प्रैक्टिकली भी, ये हाइट आपकी 760 mmHg, यानी पारा भरा है इसके अंदर तो 760 mm मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम ट्यूब की लेंथ 800 mm से कम ले लेंगे तो लगभग 760 mm के समथिंग मिलेगी ये, जब इसके समथिंग ही मिल जाएगी, पूरा पूरा ट्यूब ही भर जाएगी यहाँ पर आपकी पारे से, तो उस केस में आपको वैक्यूम देखने को नहीं मिल पाएगा, जो कि वैक्यूम होना इसमें ज़रूरी है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के लिए। आपको सब कुछ एक एक करके समझाएंगे, बस चीज़ों को सुनते रहिए। डायमीटर का रीज़न समझ में आ गया था, 12.8 mm से ज़्यादा क्यों लेते हैं, ताकि वो कैपिलरी ट्यूब ना बन पाए, उसमें कैपिलरी का प्रभाव ना हो। 800 mm से कम लंबाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, यानी यहाँ भी 800 mm से अधिक ही लंबाई लेंगे, कम नहीं होनी चाहिए। कम क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पारे की जो हाइट होती है 760 mm होती है, फिर ये उसके लगभग बराबर हो जाएगा, इसीलिए 800 mm से कम नहीं लेते। तो यहाँ पर ये भी लिखा है, इस नली की लंबाई 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इतना बताइए, जो आपके सामने मैंने तीन छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, ये सभी को क्लियर हो गए ना, क्लियर है सभी को ये? अब और समझिए आगे ध्यान से, देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल है, इसको समझ लीजिए। ये तो इतना मैंने आपको इस बैरोमीटर डिवाइस के बारे में बता दिया, जो जो चीज़ें थी मेन मेन,
वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी किसके बारे में, इस बैरोमीटर के बारे में कि क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या मेजर करते हैं। अब इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब हमने पता कर लिया मेजर करते हैं, अब कैसे मेजर करते हैं इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है ये। हम करते क्या है, एक तो हम लेते हैं यहाँ पर ग्लास की ट्यूब, जिसे हम बैरोमीटर कहेंगे। क्या लेंगे, एक गिलास ट्यूब लेते हैं, लाइक डैट हमने इस तरह से ग्लास की ट्यूब ले ली। सुनते रहिएगा प्रैक्टिकली, आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से हमने क्या ले लिया, गिलास की ट्यूब ले ली, और इस गिलास की ट्यूब को हम पूरा भर लेते हैं पारे से, पूरा टोटल भरेंगे। ध्यान से सुनते रहिए, इसको हम ऊपर तक भर लेंगे पूरा। किससे भर लेंगे इसको, इसको हम पारे से भर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा। इसमें HG पारा भर गया, मरकरी भर लिया इसमें, ठीक है। एक लेते हैं हम बर्तन, कोई एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में भी पारा भर लेते हैं कुछ हाइट तक, जितना आपका मन करे उतनी हाइट तक इसमें भर सकते हैं। इसको तो पूरा भरेंगे लेकिन इसको किसी भी हाइट तक भर सकते हैं आप इस बर्तन को। ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर भी क्या भरा हुआ है, पारा, यानी मरकरी भरी हुई है इसके अंदर भी। अब आप करेंगे क्या, ये जो आपके पास बैरोमीटर था ग्लास की ट्यूब, कोई हमने बैरोमीटर बोला है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके इसमें डाल देंगे ऐसे, यानी कि इसको उल्टी स्थिति में इसमें रख देंगे और रखेंगे वर्टिकल पोजीशन में ही। तो जब हम इसको उल्टा करके ऐसे रखेंगे तो इस तरह से रखा जाएगा, ये ऐसे ही तो रखा जाएगा, ये आप खुद बताइए, इस तरह से रखा जाएगा ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब होगा क्या, इसमें जो ऊपर तक पारा भरा हुआ था ये धीरे धीरे करके नीचे को आने लग जाएगा, ये जो पारा था इसका ऊपर से नीचे आने लग जाएगा, इस बर्तन में जाने लग जाएगा। तो इस बर्तन में उतना ही पारा जाएगा जितना कि जो वायुमंडलीय दाब है ना, उस वायुमंडलीय दाब के संतुलन से एक्स्ट्रा होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग में भरते पूरा है इसको, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ये खाली होता रहता है। क्यों खाली हो जाता है ऊपर से ये इसलिए खाली हो जाता है क्योंकि जो हमारा वायुमंडलीय दाब होगा ना, यहाँ पर इस पारे का जो बर्तन है ये वाला, इस बर्तन पर ऊपर से लगेगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो जितना वायुमंडलीय दाब लगेगा यहाँ पर, यह वायुमंडलीय दाब क्या करेगा, जब प्रेशर लग रहा है इस बर्तन में तो इस बर्तन से प्रेशर ऐसे करके पारे पर लगेगा तो इसको ऊपर उठाएगा, इसको राइज कराएगा, तो इसको उतनी हाइट तक राइज कराएगा जितनी हाइट वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। जो पारे की ऊंचाई होती है ना वो 760 mm, कितनी 760 mm पारे की जो हाइट होती है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर ऊपर से वायुमंडल का दाब लग रहा है, आपने खुला बर्तन कोई रख दिया है उस पर ऊपर से प्रेशर लग रहा है, किसका प्रेशर लग रहा है, तो जो गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें प्रेशर लगा रही हैं सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर पारा भरा हुआ है तो पारे पर जब ऐसे करके प्रेशर लगेगा इधर से भी तो यहाँ इसके अंदर का जो पारा इधर को ऊपर को उठेगा, ये कितनी हाइट तक उठेगा, सिर्फ एक निश्चित हाइट तक उठेगा, निश्चित एच ऊंचाई तक ही उठ पाएगा ये, ठीक है, एक निश्चित एच ऊंचाई तक उठता है। ये जो ऊंचाई है कितनी रहती है, 760 mm। जैसे ये ऊंचाई 760 mm आ जाएगी ना, वहाँ पे ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अब इसमें और ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, इतनी ऊंचाई तक ये उठा रहेगा, बैलेंस रहेगा इतनी ऊंचाई तक ये, क्या यहाँ पारा जो भरा हुआ है इसके अंदर। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, ये चीज़ जो आपको बताई गई है समझ पा रहे हैं। तो अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में यही चीज़ है, ठीक है, इस डायग्राम में यही चीज़ है। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक हम लेते हैं ट्यूब, क्या लेते हैं, गिलास की ट्यूब लेते हैं, उसमें मरकरी भर लेते हैं पूरा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा एक बर्तन लेते हैं हम, बर्तन में भी मरकरी भरते हैं। अब गिलास के ट्यूब में जो मरकरी भरी हुई थी उसको उल्टा करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। जब इसके अंदर डालते हैं तो मरकरी धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाती है, ठीक है, नीचे आने लग जाती है मरकरी, और एक निश्चित, यानी इसमें जितना फालतू मरकरी थी, इस एच ऊंचाई के अलावा जितनी फालतू मरकरी थी वो निकल जाएगी, एक निश्चित ऊंचाई तक ही बनी रहेगी मरकरी। वह निश्चित ऊंचाई क्या होगी, वह निश्चित ऊंचाई वायुमंडलीय दाब को संतुलित बनाए रखेगी, यानी जितना वायुमंडलीय दाब लगेगा उसके कारण ही ये ऊंचाई आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, उससे कम नहीं आएगी। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना आप सभी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो खाली जगह रह जाती है इसको हम वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम। एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है टोरिसेली वैक्यूम, टोरिसेली वैक्यूम होता है इसका पूरा नाम। अब टोरिसेली वैक्यूम क्यों होता है इसका पूरा नाम, ये सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पर जो निर्वात है, खाली जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको टोरिसेली वैक्यूम बोलते हैं, यानी टोरिसेली निर्वात, हिंदी में टोरिसेली निर्वात, टोरिसेली निर्वात, टोरिसेली निर्वात इसको इसलिए कहा जाता है। ये जो वैरोमीटर आप देख पा रहे हैं, ये वैरोमीटर ट्यूब जो है, इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था टोरिसेली ने, किसने, टोरिसेली ने। इसीलिए जो इन्वेंटर है ना इसके जो इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर,
समझिएगा। देखिए कोई भी टॉपिक हो पूरा क्लियर हो जाए, बस भले ही टाइम लग जाए ठीक है, लेकिन क्लियर होना जरूरी है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, इस बैरोमीटर के इन्वेंटर कौन है, खोजकर्ता कौन है, किसने इसे बनाया था बैरोमीटर को, तो ये बनाया था, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ इनका, इवान गैलिस्टा टोरिसेली। क्या नाम था इनका, इवान गैलिस्टा टोरिसेली ठीक है। इसीलिए आप सबने सुना भी होगा, क्या कि जो दाब का एक मात्रक होता है ना, दाब का एक मात्रक क्या होता है, दाब का एक मात्रक, प्रेशर का एक मात्रक टोर भी होता है, टोर आप सबको पता होगा, वन टोर जो होता है, वन टोर बराबर वन एमएम एचजी के बराबर होता है, एक टोर बराबर क्या होता है, वन एमएम एचजी। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ठीक है, इसको आपको इसकी वैल्यू को थोड़ा डिफाइन कर दें, कैसे कैसे आती है, हमने प्रैक्टिकल कर लिया इतना समझ गए हम। एक निश्चित हाइट एच हमें मिल जाएगी इस वायुमंडलीय दाब के कारण, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है दोनों तरफ, तो इस प्रेशर के कारण यहाँ पर राइज करेगा, ये कितना तक राइज रहेगा, ये एच ऊंचाई तक उठा रहेगा, पूरा बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इधर पारे का दाब लग रहा है, इसलिए एच ऊंचाई तक उठा रहेगा। ये जो एच ऊंचाई रहती है यहाँ पर पारे के केस में, ये 760 mm होती है, 760 mm एचजी होता है ठीक है। 760 mm एचजी जो होता है ना, वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, कितने, एक वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो देखिए ध्यान से, हम इतना जानते हैं कि हमारा जो एक वायुमंडलीय दाब होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो 101 यानी 101 325 पास्कल के बराबर होता है, पास्कल कह दीजिए आप, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दीजिए, इतना आप सब पढ़ चुके थे ठीक है ना, 1 atm। अब अगर हम इस हाइट से प्रेशर निकालना चाहें पारे की हाइट से, तो हमने पढ़ा है प्रेशर का फॉर्मूला, पी बराबर क्या होता है, रो जी एच होता है ना पी बराबर। अब यहाँ पर पारा भरा हुआ है, तो पारे की डेंसिटी कितनी होती है, पारे का घनत्व, पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, मतलब 13600 हो जाएगा डेंसिटी, 13600 हो जाएगी इसकी डेंसिटी, पारे की डेंसिटी, इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 होती है, इंटू में हाइट कितनी आई, 760 mm। अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में लिखेंगे तो 0.760, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लो, वो आपका 1 atm के समथिंग बराबर आएगा ठीक है। देखिए करके दिखाते हैं आपको, 13600 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.760 इज इक्वल टू 101.396 आ रहा है। ये भी आपका पास्कल में आ गया, सारी यूनिट स्टैंडर्ड लिए हमने, पास्कल कह दीजिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये की मतलब है ठीक है, पास्कल। अगर आप इसको किलो पास्कल में लिखेंगे तो ये 101.396 आता है किलो पास्कल में, 101.396 ठीक है, दिख रहा है इतना, देख लें एक बार, नीचे तक दिखाई दे रहा है, यस इतना दिख रहा है ठीक है। हाँ अब देखिए, तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर किलो पास्कल में 101 कितना आ रहा है, 396। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 101.325 आ रहा है किलो पास्कल में, तो ये समथिंग आ रहा है समथिंग। इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस पीछे क्यों आ रहा है पॉइंट के बाद, इसमें डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसकी डेंसिटी होती है ना, वो वेरी करती है, ये एग्जैक्ट 13600 नहीं होती, वेरी करती है, बदलती है, थोड़ी कम ज़्यादा होती है, एक रेंज में रहती है ठीक है, इसी कारण से। फिर भी समथिंग बराबर रहता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड होता है आपका, यानी 760 mm ऊंचाई तक का ये जो पारा भरा हुआ है ना, ये पारा इस पॉइंट ओ पर जो प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि जो हमारा 1 atm होता है ना, 1 atm वो बराबर 760 mm के होता है। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं, 1 atm बराबर 760 mm के होता है, क्लियर हो गया। atm मतलब हो गया पर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो एक वायुमंडलीय दाब 760 mm ऊंचाई का जो पारा है, इस ऊंचाई तक जितना पारा इस लेवल पे कितना, इस जो एच है ना, ये एच होगा आपका 760 mm, तो 760 mm ऊंचाई तक का पारा इस लेवल पे, इतनी ऊंचाई तक के लेवल पर जो प्रेशर लगाएगा, वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। मैंने आपके सामने ये समथिंग प्रूव करके भी दिखा दिया ठीक है, समथिंग इक्वल आ रहा है, इतना बोलिए क्लियर है। अब यहाँ टोरिसेली के बारे में हम बता रहे थे आपको, क्या कि जो वन टोर होता है वो
एक एम एम एच जी के बराबर होता है, ये हटा रहा हूं मैं अभी के लिए। वन जो टॉर होता है वो किसके बराबर होता है, वन एम एम एच जी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, हमने अभी देखा जो एक 760 एम एम है वो 1 ATM के बराबर है। डेट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा है 1 ATM जो होता है क्या होता है 101 325, इतना पास्कल होता है, पास्कल कह दीजिए आप या फिर किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दीजिए। अब हमने क्या देखा, 1 ATM किसके बराबर था, 760 mmHg के बराबर था, एच जी 101 325 पास्कल। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी जेई लेवल की हैं, आपको समझा दे रहे हैं, बाकी तो आपका थ्योरी से काम हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से 760 को आप इधर लाएंगे तो आपका 1 mmHg की जो वैल्यू आएगी, 1 mmHg 760 को इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा, जब आप इसको 760 से डिवाइड करेंगे, आपको करके दिखा देते हैं वैल्यूज को, 101 325 और डिवाइड बाई 760, यार 133 पॉइंट ये आ रहा है, 133.32 पास्कल, इतने पास्कल आता है ये, 1 mmHg जो आता है क्या आता है, 133.32 पास्कल। डेट मीन्स जो हमारी वन टॉर होता है ना, वन टॉर, इसमें कितने पास्कल होते हैं, टॉर भी, टॉर जो होता है ये भी प्रेशर की एक यूनिट होती है, ये टॉरसेरी के नाम पे पड़ा है टॉर, ठीक है, वन टॉर बराबर 133.32 पास्कल होता है डियर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बताइए के लिए, तो ये तीन यूनिट कन्वर्जन भी हमारे निकल के आ जाते हैं यहीं से, उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब मुझे लगता है इसमें आपको कोई कैसे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, हमारा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है जो हमने आपको समझाया है। अब आपको मैं ओरली 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ इसको, ताकि आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन है, आप बोलेंगे टॉरिसेली, सिर्फ टॉरिसेली याद कर लो काफ़ी है, ठीक है, टॉरिसेली है खोजकर्ता। कब खोज की थी इन्होंने, तो इन्होंने खोज की थी 1643 में, कब 1643 में, याद रहेगा 1643 ईस्वी में, 1643 में इन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब बनाया था इसको बैरोमीटर को। बैरोमीटर का काम क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन, इसका काम क्या होता है बोलिए, इसका काम होता है वायुमंडल दाब को मेजर करना, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। दूसरी चीज़, बैरोमीटर होता क्या है, तो एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 12.8 mm से अधिक लेते हैं, कम क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें कम ले लेंगे तो कैपिलरी का प्रभाव आ जाएगा, तो 12.8 mm से अधिक इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो कैपिलरी इफेक्ट है वो इसमें नेग्लिजिबल रहे, कैपिलरी बिल्कुल ना हो, ठीक है, केशिकात्व ना हो इसमें, ताकि अगर यहाँ पर केशिकात्व होता ना, तो आप जानते हैं पारा जो होता है उसमें कैपिलरी फॉल होता है, अगर ये कम डाया का होता तो नीचे बैठ जाता है, ये एच जो ऊंचाई में 760 mm मिल रही है ना, उतनी नहीं मिलती फिर, इसीलिए इसकी जो डाया है 12.8 mm से अधिक रखते हैं। लेंथ कितनी होती है इसकी, तो लेंथ हम इसकी लेते हैं 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, भले ही चाहे ज़्यादा हो जाए, कम क्यों नहीं होनी चाहिए, कम इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो पारा होता है वो हमें कितनी ऊंचाई तक मिलता है, एक वायुमंडल दाब के बराबर 760 mm ऊंचाई तक मिलता है। ये तो इसके बारे में हो गया, हमने प्रैक्टिकल कैसे किया था, हमने एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, जो हमारी कौन सी थी, वैरोमीटर वाली ट्यूब थी। दूसरा हमने क्या किया, एक बर्तन लिया खाली, पहले हमने ट्यूब को पूरा भर लिया पारे से, यानी इस नली को पारे से भर लिया, बर्तन को भी पारे से भर लिया, स्टोरी को माइंड में क्रिएट करते रहना, ठीक। फिर हमने जो हमारी नली थी उसको उल्टा करके इसमें रख दिया, इस बर्तन में रख दिया, जो पारा होता है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, जब नीचे आता है तो ऊपर थोड़ी जगह खाली रह जाती है जिसमें वैक्यूम बन जाता है, निर्वात बन जाता है, ठीक है। और पारा एक ऐसा लिक्विड है जिस पे वेपर प्रेशर जीरो होता है, ये भी आपको बताएंगे, जो पारा होता है ना वो आपका एक पारा एक मैनोमीट्रिक आइडियल फ्लूड है, यानी मैनोमीटर जो हम यूज करते हैं उस मैनोमीटर में पारा भरा रहता है। बैरोमीटर में भी हम पारे का ही यूज करते हैं, पानी का यूज क्यों नहीं करते, पारे का ही यूज क्यों करते हैं, जस्ट इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा पारे का यूज करने के बेनिफिट क्या क्या है, हम बैरोमीटर या मैनोमीटर में पानी क्यों नहीं यूज कर लेते, क्योंकि अगर हम पानी यूज करते हैं ना तो पानी की पता कितनी हाइट पर मिलता है, एक वायुमंडल दाब 1 ATM जो होता है ना, 1 ATM वो 10.3 मीटर, इतने पानी की हाइट के बराबर होता है। अब 10.3 मीटर हाइट का पानी, यानी कि 10.3 मीटर से बड़ी आपको ट्यूब चाहिए, 10 मीटर बहुत होता है दोस्तों, आप सब सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर से जानते होंगे, तो 10.3 मीटर की हमें ट्यूब लेनी पड़ती है प्रैक्टिकल करने के लिए, इसीलिए हम पारे का यूज़ करेंगे, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया, समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ पर आपने पानी भर दिया इसके अंदर तो पता पानी कहाँ तक उड़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब के कारण इस ट्यूब में पानी जो जाएगा ना 10.3 मीटर हाइट तक ऊपर उड़ जाएगा, डेट मीन्स ये
बहुत बहुत बड़ी ट्यूब का आपको यूज करना पड़ जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें पारा भरते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पारा जो होता है गिलास की ट्यूब पर चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि पारे के खुद के पार्टिकल के बीच में कोहेजन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ससंजन बल ज़्यादा होता है, और जब भी अगर हम पानी भर देते तो पानी कांच की दीवार पर चिपक जाता है, क्योंकि उसमें अडहेजन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। गिलास के और पानी के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पानी का यूज़ नहीं करते। ठीक है, यही बता दिया आपको, हालांकि मैं आगे आपको समझा दूंगा चीज़ों को। तो हमने क्या किया, हमने खाली बर्तन में पानी भर दिया, मतलब उसको केस नली को भर दिया, नीचे आए यहाँ पर वैक्यूम मिल गया हमें। इस वैक्यूम का पूरा नाम क्या बताया था आपको, टोरिसेली वैक्यूम होता है, क्योंकि टोरिसेली ने इस बैरोमीटर की खोज की थी, इसको बनाया था। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, ये जो खाली जगह है ना, इसमें कोई प्रेशर काम नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो प्रेशर होगा। अब जब यहाँ पर जीरो प्रेशर होगा तो इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। तो जो हमारा ग्राफ बना था, हमने जो कल आपको प्रेशर समझाया था, इस लाइन पे हमने समझाया था आपको एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, इस लाइन पे क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, और इससे ऊपर वायुमंडलीय दाब था, यहाँ पर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर ATM यहाँ पर था। तो इस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिफरेंस में जितनी हाइट तक जा रहा है ना, यही तो हमारा क्या था वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का लेवल है। अब यहाँ से लेकर के नीचे जितनी हाइट तक आ रहा है, ये हमारा वायुमंडलीय दाब हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर जो रहता है क्या रहता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है। अब बोलिए, चीज़ें क्लियर हैं सभी को, ये एक बार तो आपके सामने जो डेटा लिखा है ना, इसे नोट कर लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं मिलने का आपको, आप इसे प्लीज़ करके लिख लीजिए। और अगर आपको ये समझ आ गया हो अच्छे से, तो अब आपको मैं स्लाइड में इसकी थ्योरी शो कर दे रहा हूँ, आप लोग इस थ्योरी को नोट कर लीजिए, कंप्लीट थ्योरी है ये। ठीक है, थ्योरी ये हिंदी में है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए प्लीज करके, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ हर टर्म को समझा दिया इंग्लिश में क्या क्या था, उस तरह लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश वाले बच्चों पर जो भी बुक हो आप वहाँ से लिख लीजिएगा इसको। तो बैरोमीटर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आप सबको बैरोमीटर के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। चलिए चलिए एक और टॉपिक समझ लेते हैं, पारे के उपयोग से लाभ, यानी बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ मरकरी। हम जो हमारा बैरोमीटर होता है, तो बैरोमीटर ट्यूब में हम पारे का ही यूज क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप सिंपल से तीन पॉइंट याद रखेंगे क्या, पहला तो हाई डेंसिटी, जो आपका मरकरी होता है, पारा होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। आप सबको पता है जो पारा है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दो या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी कह दो, इसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है, पारे की स्पेसिफिक डेंसिटी। यानी अगर हम बात करें इसकी मास डेंसिटी की, तो 13600 हो गई, 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। और इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण क्या है, जब इस पर कोई भी प्रेशर लगेगा ना, तो ये बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उठेगा, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई तक ऊपर ये नहीं उठेगा, समझ पा रहे, क्योंकि 13600 kg पर मीटर क्यूब बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। वहीं अगर आप पानी की बात करेंगे, जैसे पानी यूज़ कर लेंगे आप, तो पानी की डेंसिटी आप सब जानते हैं, H2O की डेंसिटी जो होती है 1000 होती है kg पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ तो 1000 है, डेंसिटी काफ़ी कम है, ये 13600 है, तो काफ़ी ज़्यादा है, ये डेंसिटी कम है, जब इस पर प्रेशर लगेगा ना, तो ये इजीली ऊपर को राइज कर जाएगा बहुत अधिक ऊंचाई तक। कितनी ऊंचाई तक उठता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये 10.3 मीटर हाइट तक राइज कर जाता है, 10.3 मीटर हाइट तक राइज कर जाता है जब इस पर वायुमंडलीय दाब लगता है पानी के ऊपर। तो वहीं अगर मरकरी के, अगर मरकरी को आप किसी ट्यूब में भर लेंगे, तो मरकरी में आपने क्या देखा था, ओनली 760 mm हाइट तक ये मरकरी आपकी राइज कर रही थी ट्यूब के अंदर, समझ पा रहे ना सभी, ये चीज़ बताइए क्लियर सबको। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 अधिक होने के कारण, यानी पारे का जो अपेक्षित घनत्व, उसकी वैल्यू लिख दी है यहाँ पर 13.6, तो पारे का अपेक्षित घनत्व अधिक होने के कारण कम लंबाई की कांच की नली की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेंथ कम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर राइज आपको ओनली 760 mm देखने को मिल रहा है, तो लगभग आप 800 mm या 900 mm तक की ट्यूब ले सकते हैं इजीली। ठीक है, यदि पारे के स्थान पर पानी का प्रयोग करें, तो नली की कम से कम लंबाई 10.3 मीटर होगी, क्योंकि पानी की नली में जो पारे से अधिक ऊंचाई तक पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो पहला पॉइंट समझ आया, हाई डेंसिटी होती है मरकरी की, इसीलिए हम इसको मैनोमीटर फ्लूड के रूप में यूज करते हैं, या फिर बैरोमीटर फ्लूड के रूप में यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, नो वेपर प्रेशर, यानी पारे में कोई भी वेपर प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ना होने का मतलब क्या है, ये नीचे से मिटा रहा हूँ जो जो लिखा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा चीज़ें समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक,
अगला पॉइंट है हमारा नो वेपर प्रेशर। अब मरकरी पे कोई वेपर प्रेशर काम नहीं करता। अभी आपने देखा था जैसे आपकी ये ट्यूब थी ना, यहाँ से इधर नीचे तो पानी भरा हुआ था, इधर ऐसे ऐसे इस ट्यूब में क्या था, यहाँ पे पानी भरा हुआ था और यहाँ पर ये खाली थी ट्यूब। ये जो ट्यूब थी इस तरह से, अब ये जो ट्यूब थी यहाँ से खाली थी, इस वैक्यूम में कोई भी वेपर प्रेशर काम नहीं करता। यहाँ पर जो मरकरी की बाष्प भरी रहती है ना, मरकरी की खाली जगह में क्या होता है, मरकरी की बाष्प होती है। तो ये इस पे क्या करेगी, जब यहाँ पर कोई वेपर प्रेशर काम नहीं करेगा तो नीचे को प्रेशर नहीं लगाएगी, यहाँ पर प्रेशर नहीं लगाएगी, तो जो आपका पारे का जो मतलब वायुमंडलीय दाब जो मिल रहा है आपको, वो एक एग्जैक्ट हाइट तक मिलेगा, 760 mm हाइट तक ही मिलेगा, वो हाइट कम नहीं होगी। और वहीं अगर आप यहाँ पर कोई और फ्लूड भरते तो उनमें वेपर प्रेशर अधिक होता है। जैसे आप पानी भर लीजिए तो पानी में वेपर प्रेशर बाष्प दाब बहुत अधिक मिलता था, नीचे को इसको ढकेल देगा ऐसे। जब नीचे को ढकेल देगा तो जो एच हाइट मिलनी चाहिए थी वो एच हाइट ना मिल करके उससे कम वैल्यू मिलेगी, मतलब प्रेशर आपका कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इसमें? तो यहाँ यही लिखा है, पारे का बाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल नहीं होता, इसलिए मापे गए पारे के दाब में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें यहाँ पर शुद्धिकरण नहीं करना पड़ेगा, हम कह देंगे कि बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बोलिए क्लियर है इतना? इसके बाद देखिए आगे, यदि अधिक बाष्प दाब वाला द्रव प्रयोग करें तो वह बाष्प नली में द्रव स्तंभ को नीचे ढकेलेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया नीचे को ढकेलेगा, ये नीचे ढकेलेगा, जिससे वास्तविक वायुमंडलीय दाब ज्ञात नहीं हो पाएगा और वायुमंडलीय दाब क्या होगा आपको, कम हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा आपको। तीसरा पॉइंट क्या है, पानी की तुलना में जो पारा होता है वो नली की दीवारों को गीला भी नहीं करता है, ठीक है, यानी इमिसिबल विद अदर फ्लूड, ये अदर फ्लूड के साथ इमिसिबल होता है, मतलब मिक्स नहीं होता। अगर आप पारे को किसी दूसरे फ्लूड में मिलाएंगे ना तो उसके साथ ही मिक्स नहीं होगा। पानी के ऊपर पारा डाल देना आप, ऊपर मतलब पारे में अगर पानी मिलाएंगे ना तो आपको लेयर बीच में दिखाई दे जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक पारा है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, मिक्स नहीं होगा ये दूसरे फ्लूड के साथ, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इमिसिबल होता है ये अदर फ्लूड के साथ। तो ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके कारण से हम बैरोमीटर में या मैनोमीटर में किसका यूज करते हैं, पारे का यूज करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को प्लीज करके आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीख लिया, हमने प्रिंसिपल सीख लिए, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, उसके हिसाब से हमने सभी डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन कर लिया, उनका नाम देख लिए थे, किसका क्या यूज है ये भी देख लिया था। अब हमने बैरोमीटर को डिटेल में स्टडी कर लिया, इसकी टोटल स्टडी हमने कर ली, बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, टोटल बात कर ली। अब हमारे आगे चलेंगे मैनोमीटर ट्यूब, ठीक है, मैनोमीटर डिवाइस, मैनोमीटर पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर देखेंगे, पीजोमीटर होता है, सिंपल मैनोमीटर पढ़ेंगे आप, डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो जितने भी टाइप के मैनोमीटर है ना वो आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सिंगल लेक्चर में सभी टाइप के मैनोमीटर आपको समझा दिए जाएंगे, उनके फॉर्मूले भी समझा देंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे इसमें, ताकि आपका जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था ना ये क्लियर हो जाए अच्छे से और बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो पाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपको सब क्लियर हो गया है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जिसमें हम मैनोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।